देखें, जब आप इतने अरसे के बाद टीम को ज्वाइन करते हैं तो आप फिर से ऐसे एक्साइटमेंट होती है जिस तरह आपने फर्स्ट टाइम टीम को ज्वाइन किया हो, और बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह का स्पेशली आज सेशन किया है तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। देखिए, सबसे पहले तो अपनी बैटिंग स्किल्स पे काम किया है, फिर उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें थी लाइक बॉलिंग और फिर फील्डिंग के ऊपर, तो ऑल टुगेदर एक बड़ा अच्छा सेशन हुआ। देखें, जिस तरह मेरी पीछे पास्ट में परफॉर्मेंसेस रह गई हैं, कोशिश करूंगा कि उसी तरह की परफॉर्मेंसेस करूं जिससे पाकिस्तान टीम को फ़ायदा और हम लोग मैचेस जीते। बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक डोमेस्टिकली इट्स बिन माय बेस्ट फॉर्मेट, तो कोशिश यही है कि जो गैप आया है, अब जो चांस मिला है उसका पूरा फ़ायदा उठाएँ, और जो परफॉर्मेंसेज डोमेस्टिक क्रिकेट लिस्ट में दी हैं उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में रिपीट करें। आई थिंक व्हेन यू प्ले ऑल थ्री फॉर्मेट्स, एक तो वो आपके गेम के बारे में, आई थिंक इट अलाउज यू टू स्विच बिटवीन फॉर्मेट्स। अब आप तीनों फॉर्मेट्स खेलते हो। वनडे क्रिकेट का ये होता है कि लकीली आई हैव प्लेड द T20 वर्ल्ड कप, उससे पहले अबाउट 19 गेम्स सिंस मेकिंग माई डेब्यू, और अभी टेस्ट क्रिकेट खेल के आ रहा हूँ। तो जो वनडे क्रिकेट होती है वो दोनों क्रिकेट का बैलेंस होता है, तो मेरी यही कोशिश होगी कि जो भी सिचुएशन हो, जो भी गेम की रिक्वायरमेंट हो, और जो मैंने एक्सपीरियंस लिया अभी टेस्ट क्रिकेट से और T20 क्रिकेट से और ओवर द ईयर्स लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से, जो पूरे तीनों फॉर्मेट्स खेले डोमेस्टिक क्रिकेट में, कोशिश करूँगा कि जो भी अच्छे प्रोसेसेस रखे हैं, जो भी परफॉर्मेंसेज वो दी हैं, उनको इधर आके रिपीट करें। आई थिंक इट फील्स ग्रेट। क्या कहते हैं, शादाब खान के बूट्स वैसे ही फिल करना फॉर द सीरीज आर ह्यूज बूट्स। पाकिस्तान उसको ज़रूर मिस करेगा, बट लाइक फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, कराची में खेलना, होम ग्राउंड में खेलना, टेस्ट क्रिकेट खेली आके इधर T20 क्रिकेट खेली, होपफुली वनडे क्रिकेट भी खेलेंगे, तो किसी भी यंगस्टर के लिए जो मतलब जब गेम आप शुरू करते हैं एज ए यंगस्टर, और जब आप अपने प्रोफेशनल करियर में आते हैं, इवेंचुअली यही गोल्स होते हैं जब आप क्रिकेट अपनी ख़त्म करते हैं, यू लुक बैक एंड यू सी के मैं अपने होम ग्राउंड पे खेला हूँ, होम ग्राउंड पे तीनों फॉर्मेट्स खेला हूँ, तो कोशिश यही होगी कि अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दें साथ।